नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी पंचायत। केरल में सामने आ रहे निपाह वायरस के लगातार बढ़ते मामले देश में इस समय खूब चर्चा में है। कोझिकोड में निपाह वायरस से हुई दो मरीजों की मौत के बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। संक्रमण के चलते केरल के कोझिकोड जिले में स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान अगले 24 सितम्बर तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे सप्ताह उन्हें घर से ऑनलाइन क्लास करनी होगी। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जाट ने कहा कि इस समय संक्रमित व्यक्तियों की संपर्क सूची में 1,080 लोग हैं, जबकि 130 नए मरीज मिले हैं। इस लिस्ट में 327 स्वास्थ्यकर्मी हैं। वहीं अन्य जिलों में कुल 29 लोग निपाह वायरस से संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण में 22 मल्लपुरम से, 1 वायनाड से और 3 कन्नौर और त्रिशूर से हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जाट ने आगे कहा कि संपर्क सूची में लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि 30 अगस्त को मरने वाले व्यक्ति का सैंपल टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा 30 अगस्त को मरने वाले व्यक्ति के दाह संस्कार में शामिल होने वाले कम से कम 17 लोगों को भी अलग अलग रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निपाह वायरस से निपटने के लिए जिला कलेक्टर ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल को लेकर आदेश दिए हैं। निपाह वायरस के इलाज के लिए सभी अस्पतालों को एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश है। बता दें कि केरल में अब तक निपाह वायरस से 6 सकारात्मक मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सक्रिय मामलों में से 4 का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से प्रदेश सरकार उन सभी लोगों की जांच का फैसला किया जो संक्रमित शख्स के संपर्क में आए हैं। WHO और ICMR के अध्ययन से पता चला है कि सिर्फ कोझिकोड ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश इस तरह के वायरस की चपेट में है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ देसी पंचायत पर।